बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सी। तो आज मैं आपके साथ एक इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप लेकर हाजिर हुआ हूं। तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए। तो आपको बता दूं कि धर्म सिवा एक स्कॉलरशिप है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, इसको कुछ लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से मैं पढ़ता हूँ इसको, धर्म सिवा पढ़ लें आप इस। ठीक है, धर्मशिस्वा ही मेरे ख्याल से इसका नाम है एग्जैक्टली, लिखना है पाकिस्तानी से होता है, जो आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंग। चलो लेट डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट की तरफ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं 2023 के लिए। अब आपको बता दूं कि मजीद आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट प्रोग्राम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301-202-7670 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी इदारे, किसी भी अकेडमी में या किसी भी शॉप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301-202-7670 इस नंबर को डायल करके तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे लास्ट डेट भी सारा कुछ अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की हमारी वेबसाइट है ईडीवीएन के नाम से, जहाँ पे शो किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट उसका, और इवन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद है जो मेरे सामने यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंट्रोडक्शन जो है, प्रोग्राम स्केड्यूल है, उसके बाद एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के हवाले से आपने इसको रीड आउट करना है। अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये आप मुझसे ले सकते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक है। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो 8 अप्रैल से 21 अप्रैल के दरमियान है। सिलेक्शन बाद यूनिवर्सिटी 22 फोर्थ में की अनाउंसमेंट जो है वो 12 मई से है। अटेंडेंस कन्फर्मेशन 12 मई से है। फाइनल अनाउंसमेंट 31 मई से है। फ्लाइट इंटरव्यू कन्फर्मेशन यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। क्लासेस जो स्टार्ट है वो 23 सितंबर, मतलब इसी साल के सितंबर के अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन वो कहते हैं फॉरेन नेशनल। ठीक है, ईच एप्लीकेंट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। फॉरेन नेशनल होना चाहिए, कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, मीन टू से दैट आपने एफएससी की हो। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 से सही होनी चाहिए। एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश प्रूवन बाय द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, टोफल, आईएलटीएस। आपको वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास आईएलटीएस है, टोफल है या कोई भी है, लाइक एग्जांपल से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके कहीं से आते तो आप कर सकते हैं। इन गुड हेल्थ एंड प्रूवन इंग्लिश मेडिकल सर्टिफिकेट, आप हेल्थ में अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स वो यहाँ पे हमने जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सिंपल और सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे रेज्यूमे होनी चाहिए, सीवी जिसे कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसको रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लास्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू अप्लाइड फील्ड, यहाँ पे फोटो, उसमें यहाँ पे वीडियो शूट भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे से डिस्कस किया जा रहा है, तो आप देखिए ये रजिस्ट्रेशन, व्हेन अप्लाइंग थ्रू द वेबसाइट एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू चूज द एम्बेसी कंसोलिडेटेड जर्नल इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग अलाउंस के वाले से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्कॉलरशिप जो है वो आपका टोटली सारा कुछ रिकवर करेगी। लिविंग एक्सपेंस, बुक अलाउंस, सेटलमेंट अलाउंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, जो भी आपको दूसरा सारा कुछ अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा का जो आपको बता दूँ, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया गया। यहाँ पे बॉटम पे आ जाए तो बॉटम पे फ्री ट्रैवल के बारे से डिस्कस किया जा रहा है सारा कुछ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी मैं सर्च करता हूँ, या वो जो लिंक मैंने कॉपी किया था तो वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट उनकी आ गई है, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम की ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने डिस्कस किया था आपके सामने वो सारा कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करना है। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप कंटिन्यू, मिस्टर है, लड़की है तो लड़के हैं तो मिस्टर चूज करेंगे, लड़की है तो मिस चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट मैं करता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर। यहाँ पे आके अब एग्जाम्पल से दैट मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। अब यहाँ पे चूज कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान सर्च आउट करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इधर यहाँ पे एम्बेसी हमारी जो है इस्लामाबाद या आल एम्बेसी, आप कबरी इस्लामाबाद, यहाँ पे इस्लामाबाद करेंगे क्योंकि हमारे इस्लामाबाद ही पड़ता है।
यहाँ पे बर्थ प्लेस एग्जाम्पल से दैट आप पाकिस्तान के अंदर पंजाब कर लें, ठीक है, पंजाब में तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे एग्जाम्पल से दैट आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अकॉर्डिंग चूज आउट करेंगे। आप एग्जाम्पल से दैट मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब पासपोर्ट नंबर आप अगर आपको है तो पास आप अप्लाई करें, अगर पासपोर्ट अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट की वैलिडिटी भी पूछते हैं, क्योंकि विदाउट दैट आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को स्टार्ट में ही चाहिए होता है, उसने आपकी एप्लीकेशन को फॉलो करना होता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस की मैं बात करती हूँ, आप ईमेल एड्रेस दे तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दें और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सजेस्ट करें क्या के ताकि आपको भी याद रहे। बाद का कैंडिडेट्स इतना टफ पासवर्ड रखते हैं कि बाद में उनको याद भी नहीं रहता। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रोसेस को करता हूँ कंप्लीट। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करें, जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल वो कहते हैं मिनिमम एज लिमिट शुड नॉट बी ओल्डर देन, यहाँ पे एज लिमिट हमारी जो है वो 18 साल होना मस्ट है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक, पासवर्ड आपको अगेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं अगेन पासवर्ड लगा देता हूँ। तो आप भी क्या करें, एज लिमिट अपनी जो है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, आप ये बात माइंड में रखें। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट कर, जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और ऑफिशियल ईमेल पे मुझे एक ईमेल चली जाएगी। यहाँ पे वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है, चेक योर ईमेल। अब मैं कहता हूँ लॉग इन करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं अपने ईमेल को ओपन करता हूँ, मुझे ऑफिशियली एक ईमेल इनकी तरफ से रिसीव हो चुकी होगी, ठीक है, जो है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल से जरिए मेरे पास ईमेल अवेलेबल है और जिसको एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए होगा वो मैं एडवर्टाइजमेंट भी दे दूंगा ये वाला, ठीक है, आपको बता दूँ ये वाला एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं ईमेल ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे मुझे ईमेल इनकी तरफ से रिसीव हो चुकी होगी जिसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, जिसके अंदर हमारा लॉग इन और ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करना लाजमी है, क्योंकि विदाउट दैट हम लोग आगे प्रोसीड अप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना। यहाँ पे आप देखें कि जैसे मैंने ईमेल ओपन की थी यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव होती है, तो कहते हैं आप यहाँ पे क्लिक एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक आउट करें और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको प्रोसीड अप करता हूँ, प्रोसीड अप करने के बाद इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा अकाउंट लॉगिन होता है या नहीं होता, ऐसे हम लोगों ने उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट मैं क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस जो मैंने लगाया था वो लगा देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो मैंने मेंशन किया था। अब यहाँ पे @gmail.com, आप भी इसी तरह ही जो आपका जो ईमेल होगा वो आप लगाएंगे, जो पासवर्ड लगाएंगे वो भी आप यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक आउट कर, जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो फुली ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एक्यूरेट वे से मेंशन अप करूंगा, क्योंकि विदाउट दैट मैं तो प्रोसीड नहीं कर सकता। अब अगर मैं कहूंगा कि मैंने ये रजिस्टर्ड कर दिया है और एक छोटा सा फॉर्म फिल करके अब आगे इजी है, अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो ऐसे बात नहीं है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ती है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म को सबमिट आउट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें कि मेरी वो कह रहे हैं कि लॉग इन हो गया सक्सेसफुली, और आप क्या करें कि इसको सबमिट आउट करें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से सबमिट आउट करता हूँ, मेरा ऑफिशियली फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे इस बात को देख सकते हैं। और जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से इशू आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड अप करता हूँ, ठीक है, तो आप इस बात को मद्देनजर रखना। तो आप ये देखेंगे जैसे इसको मैं फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पे मेरा फोटो आ जाएगा, यहाँ पे CV आ जाएगी, यहाँ पे मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पे मेरा पासपोर्ट इस तरह आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हिस्ट्री मेंशन करूँगा, यहाँ पे करंटली स्टडी इन, यहाँ पे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, लास्ट एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे, और यहाँ पे अपलोड एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर आप 3-4 मिनट की वीडियो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे होंगे इन इंग्लिश, ताकि आप उसको इजिली प्रोसीड अप कर सकें। तो आपको बता दूं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी ने नहीं प्रोवाइड की। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जजाकल्ला, शुक्रिया।